स्टूडेंट्स अभी ध्यान दो, अभी हम क्या देखते हैं, सर्विस टैक्स के बारे में देखते हैं। मतलब सर्विस टैक्स का एंट्री कैसे करने का है। तो सर्विस टैक्स का एंट्री करने के लिए आप पहले क्या करो, नया कंपनी में करो, क्योंकि इसी कंपनी में मत करो एंट्री। इस कंपनी को मैंने बंद कर दिया ऑल्ट एफ1 करके। आप क्या करो, पहला ये कोई भी नया कंपनी क्रिएट करो, बाद में उसके अंदर एंट्री कर जाओ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गया तो आप अपने ओरिजिनल कंपनी में एंट्री कर सकते हो। बराबर, सपोज इधर से कंपनी बना दी है। अभी सर्विस टैक्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी को सर्विस दे रहे हैं। जैसे आउटपुट वैट आप कभी कलेक्ट करते हो कि आप किधर प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हो, तो सेल के टाइम हम कस्टमर से आउटपुट वैट लेते हैं। बोलो ना, TDS हम कभी पेड करते हो, किसी को अमाउंट पे करे तो पेमेंट के टाइम उसमें से TDS कट कर दें। वैसे हम सर्विस टैक्स कभी लगाते हैं कि हम किसी को सर्विस दे रहे, तो बोलो ना, या तो हम सर्विस दे रहे किसी के पास या सर्विस परचेस कर रहे, तो भी हम सपोज देखते हैं कि सर्विस दे रहे हम, कौन सा सर्विस दे रहे। तो हम सपोज टेलीफोन का किसी को सर्विस दे रहे और हमें उसका बिल भरने का है ना। टेलीफोन का सर्विस दे रहे, तो टेलीफोन सर्विस दे रहे ना, तो टेलीफोन सर्विस दे रहे मतलब हम सर्विस सेल कर रहे, तो सेल के ऊपर क्या होता है, सर्विस आउटपुट वैट आएगा, सॉरी आउटपुट सर्विस टैक्स आएगा। और सर्विस अगर आप परचेस कर रहे हो तो क्या आएगा, इनपुट सर्विस टैक्स आएगा। तो अभी हम सपोज क्या कर रहे हैं, किसी को टेलीफोन का सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस दोगे तो उसके ऊपर क्या आएगा, आउटपुट सर्विस टैक्स कलेक्ट करने का, समझेगा। मतलब जो भी कुछ सर्विस का बिल रहेगा, जैसे टेलीफोन का बिल 1000 रुपये है, तो उसके ऊपर और सर्विस टैक्स लगा के हमें बिल कलेक्ट करने का वो। बराबर, तो एंट्री कैसे आएगी, सबसे पहले क्या करोगे, सर्विस टैक्स को एक्टिवेट करने का। सबसे पहले क्या करोगे, सर्विस टैक्स को एक्टिवेट करने का। कैसे एक्टिवेट करोगे, ऐसा लेजर लिखते भी जाओ बाद में एक एक, और ये एंट्री 2-3 बार देखो पहले, बाद में एंट्री करने के लिए जाने का, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग एंट्री है जो टैक्स का है वो। F11 F3 और कौन सा ऑप्शन ऑन करोगे, इनेबल सर्विस टैक्स यस करोगे। ये लिखा है जैसे इनेबल सर्विस टैक्स यस, और सेड अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल भी यस कर दो है। मतलब ये डिटेल रहेगा, इसमें जो भी आपको डिटेल भरने का आप भर सकते हो। जब हम रजिस्टर करते तो हमारे पास कुछ एंट्री आ जाती है, सपोज कौन सा लिखा मैंने, कोऑपरेटिव सोसाइटी रखा सपोज, और बाद में जो भी कुछ है एंट्री, आप मतलब सर्विस टैक्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे जब रजिस्टर करोगे तो कौन से वार्ड में आपको सर्विस टैक्स वगैरह भरने का है, वो सब एंट्री मिल जाएगी। इसको क्या कर दिया हमने, सेव कर दिया, हो गया। अभी सर्विस टैक्स ऑन करने के बाद क्या करोगे, आप लेजर बनाओगे। कैसे लेजर बनाओगे, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट। अभी लेजर बनाने के लिए पहला कौन सा लेजर आएगा, तो टेलीफोन सर्विस, हम सर्विस दे रहे हैं ना, तो सपोज क्या लिखते हैं, टेलीफोन सर्विस। अभी टेलीफोन सर्विस क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो उसका ग्रुप क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। और सेल कर रहे तो इन्वेंटरी वैल्यूज क्या आएगी, हमेशा ये आएगी। वो पूछेगा कि सर्विस टैक्स लगाने का क्या, तो जब टेलीफोन सर्विस लोगे तो आप सर्विस टैक्स लगाने का ना, तो यस कर दो इधर। और क्लास कौन सा आएगा, तो क्लास वही आएगा टेलीफोन सर्विसेज। क्लास कौन सा लेने का है, टेलीफोन सर्विस। बोलो ना, इतना बहुत सारा सर्विस रहेंगे कि जिसके ऊपर सर्विस टैक्स कलेक्ट करता है। तो अभी हम सर्विस टेलीफोन के दे रहे, तो पहला कौन सा लिखा आपने, टेलीफोन सर्विस आएगा। ये हो गया पहला एंट्री। अभी सेकंड एंट्री क्या आएगा, कि जो भी सर्विस टैक्स लगाएंगे बराबर, तो उसका नाम क्या आएगा, तो नाम क्या आएगा हमारा, आउटपुट सर्विस टैक्स। आउटपुट सर्विस टैक्स किसके लिए ऊपर आएगा, लेकिन आउटपुट सर्विस टैक्स ऑन टेलीफोन बिल। आउटपुट सर्विस टैक्स ऑन टेलीफोन बिल। अभी ये क्या टैक्स है ना, तो उसका ग्रुप क्या आएगा, हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप क्या आएगी, सर्विस टैक्स। और इधर क्या रखने का, एनी रखने का, मतलब ये तीनों भी टैक्स एक साथ आ जाएगी। इधर क्या रखोगे, एनी करके रखने का, इसमें हो गया इतना बराबर है। अभी आगे का कौन सा एंट्री करोगे, थर्ड वाला, तो ये सब आउटपुट सर्विस टैक्स हो गया ना, तो थर्ड वाला क्या आएगा, कोई तो पार्टी आएगा हमारा, कि हम किसको सर्विस टैक्स दे रहे, मतलब सर्विस किसके पास ये सर्विस कलेक्ट कर रहे, तो कोई तो सपोज पार्टी आ गए, तो क्या नाम लिखा, पार्टी का प्रसाद। उसका ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री डेटर है ना, क्या आएगा उसका ग्रुप, सन्ड्री डेटर आएगा, क्योंकि हम उसको सर्विस सेल कर रहे हैं ना। बाद में वो पूछेगा कि सर्विस रिसीवर है कि प्रोवाइडर है, तो क्या आएगा इधर से, यस करोगे, सर्विस प्रोवाइडर रिसीवर, तो क्या आएगा, यस आएगा इधर है ना, क्योंकि हम उसको क्या करें, सर्विस दे रहे ना, तो यस आएगा, रिसीवर है वो सर्विस। बाद में इंटर करके सेव कर दो, हो गया।
और अभी हमारे पास बैंक का लेजर नहीं ना, तो हमें एक बैंक का लेजर बनाते एक। सपोज कौन सा लिया, बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका ग्रुप आता है बैंक अकाउंट। कितना आएगा ये सर्विस प्रोवाइडर, नहीं आएगा ना इसमें से कुछ, तो डायरेक्टली लिख के रखो अमाउंट कुछ कितना, जो भी कुछ अमाउंट है लिखने का है। ये हो गया चार लेजर, अभी एस्केप करके बाहर आते। अभी हमें एंट्री करने का, तो एंट्री करने के लिए किस में जाओगे, हम कौन सा एंट्री किया, सर्विस टैक्स का ना, तो एंट्री करने के लिए किधर जाओगे, अकाउंटिंग वाउचर एफेट में एंट्री करने का, सेल में। लेकिन हम स्टॉक आइटम सेल कर रहे हैं क्या, तो जब नेम ऑफ आइटम कभी ऑन रखने का, जब आप स्टॉक आइटम सेल कर रहे तो नेम ऑफ आइटम यस रखोगे, लेकिन अभी हम स्टॉक आइटम सेल कर रहे क्या, नहीं ना, तो नेम ऑफ आइटम क्या रखोगे, नो रखने का इधर, मतलब नेम ऑफ आइटम नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, इधर अकाउंट इनवॉइस के ऊपर क्लिक करने का है, ऑल टाइप किया तो भी चलेगा। देखो आ रहे थे पर्टिकुलर, बोले ऐसे अगर रहेगा नेम ऑफ आइटम, तो अब इधर से पर्टिकुलर सेलेक्ट कर दो। अभी रेफरेंस मतलब बिल नंबर लिखो कुछ भी एक, पार्टी नेम, अब किसको सेल कर रहे हैं, मतलब सर्विस किसको सेल कर रहे हैं, प्रसाद को, तो पार्टी नेम आएगा प्रसाद, इधर से इंटर कर दो। अभी पर्टिकुलर में क्या आएगा, क्या सेल कर रहे, तो आप टेलीफोन सर्विस है ना, इधर से लिया न्यू रेफरेंस, सपोज इधर अमाउंट लिखो, कितना अमाउंट लिखा, सपोज 1000 है ना, बाद में इधर से देखो टैक्स बताएगा कितना टैक्स है वो, अभी कितना टैक्स बता रहे हो, 10% टैक्स बता रहे, लेकिन कभी कभी टैक्स अगला अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, 10% है, 12% है, तो आपको अगर इधर से टैक्स चेंज करने का है, तो टैक्स चेंज करने के लिए कौन सा बटन दबाओगे, F12 बटन दबाने का, कौन सा बटन दबाओगे, F12, और उसमें कौन सा आएगा, ये तीनों ऑप्शन को यस करके रखने का है, समझे ना, F12 बटन दबा के तीनों ऑप्शन को यस कर दो है। अभी इंटर कर दो इधर से, देखो आ रहे 10%, सपोज हमने कितना लिया सर्विस टैक्स 12% लिखा, देखो आया, लेकिन अभी देखो इधर जैसे सर्विस टैक्स 10% लिखा, ऊपर का अमाउंट चेंज हो गया, तो वापस बैक स्पेस करके पीछे आ जाओ और इधर अमाउंट लिखो 1000, लिखा 1000, बाद में इंटर कर दो, आया, मतलब 1000 के ऊपर कितना आया, ये 1123 पूरा हो गया ना टोटल, तो 12% सर्विस टैक्स लगा, वो कितने अमाउंट के ऊपर लिखा, 1000 के ऊपर 12%, मतलब 120 आ गया। लेकिन ये जो लिखा ना एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस, ये किसके ऊपर आता है, 1000 के ऊपर नहीं आएगा, तो 120 अमाउंट जो है ना टैक्स उसके ऊपर आ जाएगा। तो इंटर करके सेव कर दे, जैसे ये लिखा इधर अमाउंट आया 1000, बाद में क्या लेने का, इधर से आउटपुट सर्विस टैक्स, कौन सा लेने का है, आउटपुट सर्विस टैक्स ऑन टेलीफोन बिल है, इधर से 123, मतलब टोटल बिल कितने का बनेगा, इधर सपोज वापस लिखा 123, समझ रहे, ये तो अमाउंट आया 1000 और 123 सर्विस टैक्स, समझेगा इतना, बाद में इंटर करके सेव कर दो। हो गया इधर से, बोल रहे मतलब इतना सर्विस टैक्स का हमारा हमने बिल बना दिया, सपोज 1000 है और एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स 123, टोटल 1123 ऐसा बन बिल बन गया। अभी देखो हमने बिल तो बना दिया, लेकिन अभी तक सर्विस टैक्स रिसीव किया है क्या, नहीं रिसीव किया है, तो सेकंड एंट्री क्या आएगा, रिसिप्ट में करने का एंट्री, F6 है। अभी हमें पैसा कौन देगा, तो जो जिसको हमने सर्विस दिया है उसको वही पैसा पे दे करेगा हमें, मतलब प्रसाद को सर्विस दिया था ना हमने टेलीफोन का, तो उसके पास से पैसा आना बाकी है। तो अभी क्रेडिट, क्रेडिट में क्या लोगे आप, प्रसाद, समझे ना, क्रेडिट में क्या लेने का, प्रसाद है, इधर से लेने का, पहले अगेंस्ट रेफरेंस नहीं लेने का, लेकिन जब भी रिसिप्ट का एंट्री करोगे पहले आप अगेंस्ट रेफरेंस मत सिलेक्ट करो, पहले क्या करते, जैसे एंड ऑफ लिस्ट है, इधर अमाउंट लिखो कितना अमाउंट आएगा, पूरा लिखो 1123, इधर से आएगा अगेंस्ट रेफरेंस है, बाद में अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करो, इंटर कर दो इधर अमाउंट। अरे अभी डेबिट, डेबिट में कौन आएगा कि किसको पैसा मिलेगा, अभी बैंक में आएगा ना, या तो चेक देगा या फिर कैश में आएगा, तो बैंक ऑफ इंडिया लिखा सपोज, इंटर कर दो इधर से, हमारा एंट्री, समझ रहे, इतने पहला वाला एंट्री। देखो हमने क्या कर दिया, प्रसाद से पैसा रिसीव कर दिया, कितना पैसा रिसीव कर दिया, 1123, तो हमारे बैंक में इतना पैसा जमा हो जाएगा, बोल रहे अभी हमारे पास पूरा पैसा आ गया ना 1123। अभी हमें क्या पे करना पड़ेगा, जो भी सर्विस टैक्स बाकी है वही सर्विस टैक्स क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, तो थर्ड एंट्री किधर आएगी, पेमेंट। अरे
अभी हमें सर्विस टैक्स पेड करने का ना, तो डेबिट में क्या आएगा, आउटपुट सर्विस टैक्स है ना, इधर आएगा अगेंस्ट रेफरेंस, लिख दो इधर से, हो गया 123। और क्रेडिट में क्या आएगा, कौन पैसा पे करेगा, हम बैंक से पैसा पे करेंगे, तो इधर लिखा बैंक ऑफ इंडिया, आया इंटर कर दो इधर से, है ना, इधर से इंटर कर दो। अभी प्रोवाइड डिटेल करने का तो यस कर दो, आप लिखो इधर से कभी का, कभी से तक का सर्विस टैक्स है, तुमने क्या लिखा 14/2015, टू क्या आएगा 15/2015 लिखा सपोज, है जो भी लिखने का इंटर कर दो इधर से बैंक ऑफ इंडिया, ये सिर्फ डिटेल रहेगा, होगा एंट्री, आया समझ में, कैसे करते हैं समझेगा इसका। अगर रिपोर्ट देखने का तो कैसे जाओगे, रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले है ना, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, सर्विस टैक्स रिपोर्ट है ना, सर्विस टैक्स कंप्यूटेशन आ रहा इधर, समझेगा इतना, सपोज इसके अंदर आ गए, आ रहा इधर, बोले देखो किधर से आ गए, इधर से वापस, हम सपोज वो एंट्री हमें देखने का है तो किधर जाओगे, डी एस एस में जाने का है, मालूम है ना, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट स्टेटिस्टिक्स है, किस में एंट्री करोगे, पेमेंट का एंट्री है सपोज, हमें ये वाला एंट्री ओपन करने का है। अभी प्रिंट आउट निकालने का तो क्या करोगे, अल्ट पी करने का, प्रिंट आउट के लिए किधर जाओगे, अल्ट पी, अरे अभी प्रिंट प्रीव्यू नो बता रहे हैं इधर, तो प्रीव्यू चाहे तो क्या करोगे, जैसे अल्ट आई के ऊपर क्लिक करो इधर, अरे विथ प्रिंट प्रीव्यू बता रहे हैं इधर से, नहीं जाए तो नो कर दो, अभी इधर विथ प्रिंट प्रीव्यू ऑन है ना, हाँ देखो अभी इधर से क्या किया, विथ प्रीव्यू ऑन किया, बोलो ना बैक स्पेस कर दिया बाद में, इधर लिखा ना प्रिंट जी आर चलन, वो चलन इन प्रिंट आउट करने का, तो यस कर दो इधर से, इंटर करके सेव कर दो, अरे मतलब ये जी आर चलन बन जाएगा, फुल स्क्रीन देखने का, तो क्या कर दो इधर से जूम कर दो इधर, इधर लिखा इधर जूम करके, तो आप देख सकते हो, देखो इधर नाम वगैरह लिखा रहेगा सब, है मतलब ऐसे नाम वगैरह पूरा डिटेल एंट्री बन जाएगा हमारा, समझेगा इतना, स्किप करके अभी बाहर आते हैं इधर से, आया समझ में, समझ रहे, और टेफोन करके बंद कर दिया सब, आया समझ में इतना, समझ रहे।